जिस कांग्रेस ने देश के आजादी की लड़ाई लड़ी, वह कालांतर में भ्रष्टाचार का पर्याय बनकर उभर गया। शायद इसीलिए आजादी के तुरंत बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कांग्रेस को भंग कर एक स्वच्छ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के शुरुआत का सुझाव दिया था। लेकिन उस सुझाव को नहीं माना गया। आज जो दुर्गति हो रही है कांग्रेस की, वो आप सभी देख रहे हैं। कर्नाटक की जनता को, उनकी समझदारी को, उनके बुद्धि और विवेक को मैं सराहते हुए उनको कोटिशा धन्यवाद देता हूँ। कर्नाटक में हर तरह का प्रपंच करने का प्रयास किया गया। उत्तर भारत और दक्षिण भारत का खेल खेला गया। भाजपा को उत्तर भारतीय पार्टी कही गई। अब इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। भाजपा त्रिपुरा से लेकर असम और अरुणाचल से लेकर गुजरात तक जिसकी सरकार हो, वो सिर्फ उत्तर भारतीय पार्टी कैसे हो सकती है? किंतु ये इस प्रकार के प्रचार किए गए, दलित विरोधी कहा गया, और जो हैदराबाद कर्नाटक जिसमें सबसे ज़्यादा दलित आबादी है, उसमें सबसे ज़्यादा सीटें भाजपा को आई। तो जनता भी अब कांग्रेस के खेल को समझ गई है। जिस सिद्धारमैया ने कुमारस्वामी से झगड़ा करके मुख्यमंत्री बनने के लालच में कांग्रेस के गोद में जाके बैठ गए थे, वही सिद्धारमैया अब कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सोनिया और राहुल के इशारे पे काम कर रहे हैं। तो ये क्या समझते हैं कि क्या जनता इतनी बड़ी बेवकूफ है कि वो समझती नहीं इनके चालों को? हमें राज्यपाल के विवेक पर भरोसा है। उनका जो भी निर्णय होगा उसको हमारी पार्टी मानेगी। लेकिन लोकतंत्र में विचार भिन्न होते हैं और विचारों का विरोध भी होता है, किंतु एक स्तर से नीचे जाकर गलत अफवाह फैलाना, गलत बातें करना, यह तो बहुत ही निकृष्ट किस्म की राजनीति है जो किया है कांग्रेस ने, और इसका खामियाजा वो भुगते हैं। मेरे विचार से यही आज के लिए काफ़ी है। आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो बता दें। बीजेपी ने कहा था कि बहुमत से हम लोग कर्नाटक चुनाव जीतेंगे, पर कहीं ना वो पेच फंस गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम बहुमत की आशा करते ही हैं। हर एक पार्टी बहुमत की आशा करती है। कांग्रेस ने भी कहा था कि बहुमत से जीतेंगे, जदयू ने भी कहा था, JDS ने भी कहा था कि बहुमत से जीतेंगे। सभी अपना दावा करते हैं, सभी अपना आकलन करते हैं। हमारा आकलन
सच्चाई के करीब रहा, हमारे वोट भी दुगने से ज़्यादा हुए, हमारी सीटें भी दुगनी से ज़्यादा हुई, हम बहुमत के करीब पहुँचे और कांग्रेस की भी सीटें आधी से कम हो गई और जेडीएस की सीटें भी कम हो गई, तो हमारा आकलन सबसे करीब रहा, ये तो आप देख रहे हैं। आप फुल मेजोरिटी में नहीं हैं, आप फुल मेजोरिटी में नहीं हैं, तो फिर कैसे आप सरकार बनाएंगे? ऐसा है कि फुल मेजोरिटी में हम नहीं हैं, ये बात आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अगर पहले से गठबंधन करके कोई चुनाव लड़ता है तो उसको एक ग्रुप की मान्यता मिलती है, लेकिन अगर अलग अलग दल अलग अलग चुनाव चिन्हों पे अलग अलग विचारधारा पे एक दूसरे का विरोध करते हुए चुनाव लड़े हों तो वैसी स्थिति में लोकतंत्र की यही परंपरा है कि जो सर्वाधिक सीटों को प्राप्त करके जो दल आता है उसी का दावा बनता है। अब आप ये बताइए कि जेडीएस और कांग्रेस की ये मिलीभगत नहीं थी, इसका किस तरह से वो खुलासा करेगी? ये इन लोगों ने मिलीभगत करके भाजपा को हराने के लिए इस तरह का प्रपंच किया, जगह जगह चुनाव में उम्मीदवार खड़े करके। अब अगर ये दोनों मिल गए एकदम से, इसका मतलब तो ये है कि षड्यंत्र पूर्वक ये कार्य हुआ है, तो जनता को धोखा दिया गया है। आज सर्वाधिक मत भी हमने प्राप्त किए हैं, कांग्रेस को जो मत प्राप्त हुए हैं उससे ज़्यादा मत हमको प्राप्त हुए हैं, जेडीएस को जो मत प्राप्त हुए हैं उससे बहुत ज़्यादा मत हमको प्राप्त हुए हैं और सीटें भी हमको सबसे ज़्यादा हैं। अब ये पूरे राज्यपाल के विवेक पे है, जो मैंने आपको कहा वो संवैधानिक प्रक्रिया है, उसमें कहीं कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा कई राज्यों में देखा गया है कि फुल मेजोरिटी में जो पार्टी रहती है उसके बावजूद भी उसकी सरकार नहीं बन पाती है। अभी हाल फिलहाल में अगर देखा जाए, बिहार की बात अगर की जाए तो सबसे बड़ी पार्टी राजद थी, लेकिन उसको ऑफर नहीं दिया गया और जेडीयू को ऑफर देकर बीजेपी और जेडीयू अलायंस सरकार बनी। मैंने आपको बताया ना, राज्यपाल का यह संवैधानिक दायित्व है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उसको अपने विवेक से यह समझना पड़ता है कि कौन सी एक स्थिर सरकार हम यहाँ पर ला सकते हैं, ये उसके विवेक का प्रश्न है, इसमें किसी दल का कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि जोड़ तोड़ की राजनीति करने के लिए बीजेपी हावी हुई है कर्नाटक में। क्या जोड़ तोड़ कर राजनीति हमने किया? हम तो सबसे बड़े पार्टी बन के उभरे हैं। जोड़ तोड़ जो कर रहे हैं कांग्रेस और जेजीएस, वो तो आप लोग रोज छाप ही रहे हैं, दिखा ही रहे हैं टीवी पे, वो तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सरकार बिहार में काम कर रही है, अपराध काफी बढ़ गया है, क्या कहेंगे सर? अपराध कितना बढ़ा है तो जो आंकड़े हैं वो बताएंगे, मुझे जानकारी इसकी नहीं है, लेकिन कहीं पर भी किसी भी प्रदेश में किसी की भी सरकार हो, अपराध बढ़ना चिंता का विषय है। अपराध पर बिल्कुल नियंत्रण होना चाहिए और दोषी पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपके नेतृत्व में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की सरकार चला रहे हैं, शराबबंदी का जो इनका दावा था, एक तरह से देखा जाए अगर शराबबंदी को सपोर्ट करने वाले लोग कोई हैं? आपने देखा कि अभी एक एसपी साहब की क्या हालत हुई है, ऐसे और भी अगर मामले आएंगे तो उनकी भी वैसी हालत होगी, जेल की हवा खाएंगे और वो करियर उनका खत्म होगा, वो अलग है। हम किसी के भी साथ कोई रियायत नहीं बरते हैं। आप कोई सबूत दीजिए हमको कि कोई एसपी या कोई डीएम अगर मिला हुआ है इसमें तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर सरकार के नीतियों का कोई विरोध कर रहा है, अगर सरकार के नीतियों के अनुपालन में कोई